हेलो मेरा नाम उज्ज्वला नंद जैन आप देख रहे हैं मैकेनिकल साथी तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी पावर प्लांट सीरीज को फॉर एस एस सी जी ट्वेंटी ट्वेंटी फ़ोर तो इससे पहले हमने तीन टॉपिक को कंप्लीट कर लिया ये चौथा टॉपिक है हमने रेनकाइन साइकिल कवर कर लिया है हमने कंप्रेसर को भी कवर कर लिया है हमने गैस पावर साइकिल को भी कवर कर लिया है तो आज हमारा टॉपिक फोर है स्टीम नोजल ठीक है पावर प्लांट आपके एसएससी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर आपने अभी एस एस मेंस का पेपर भी देखा होगा तो उसमें ऑलमोस्ट ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी एट पावर प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन थे हंड्रेड को आउट ऑफ हंड्रेड क्वेश्चन इन एस एस सी जी मेन्स तो थर्मल तो का पोर्शन ऑलवेज एस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका थर्मल अच्छे से हो गया तब आप बाकी सब्जेक्ट्स को कवर करिए अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, तो आपको सबसे पहले थर्मल इंजीनियरिंग कंप्लीट इंक्लूडिंग एफएम और एफएमसी, ठीक है पहले वो उस पर फोकस करना पड़ेगा ठीक है तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं स्टीम नोजल के बारे में ओके तो स्टार्ट करते हैं स्टीम नोजल ठीक है तो देखिए सबसे पहले हमको नोजल पढ़ने से पहले कुछ इसके बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे उसके बाद आपको नोजल पढ़ेंगे चलिए देखिए सबसे पहले मैक नंबर क्या होता है वॉट इज मैक नंबर सुन so, मैक नंबर जो होता है वो आपका वैल्यूज की होती है v बाय सी और v अपॉन गामा आर टी सी क्या होता है सोनिक वेलोसिटी c इज सोनिक वेलोसिटी v क्या होता है velocity ऑफ मूविंग substance ठीक है ये अब देख लीजिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा दैट इज डी ए इज़ इक्वल टू डी वी अपॉन वी इन ब्रैकेट एम स्क्वेयर माइनस वन ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इससे ही आपको पता चलेगा कि कौन सा क्रॉस सेक्शन किस कंडीशन के लिए नोजल है और कौन सा क्रॉस सेक्शन किस कंडीशन के लिए डिफ्यूज़र है देखिए डिप्लोमा लेवल में कई बार हम ये पढ़ते हैं कि जो कन्वर्जिंग सेक्शन है वो जो कन्वर्ज कर रही सेक्शन वो ऑटोमेटिक नोजल हो गई जो डाइवर्स कर रही है वो डिफ्यूजर हो गई बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता जो भी डिफ्यूजर है या नोजल है वो डिपेंड करता है कि इनलेट पे कंडीशन क्या है अभी हम समझते हैं देखिए क्या है मान लीजिए सबसे पहला कंडीशन सबसोनिक फ्लो है सब सोनिक सो so, इसमें एम जो है वो लेस देन वन है सबसोनिक में एम लेस देन वन होता है ठीक है तो इस ओके जस्ट अ सेकेंड ओके मैं हेडिंग से डाल लेता हूं ओके फर्स्ट सब सोनिक सब सोनिक मीन्स एम इज लेस देन वन क्लियर सो अगर एम इज लेस देन वन है सो एम स्क्वेयर माइनस वन इसकी जो वैल्यू होगी अगर एम लेस देन वन है तो ये नेगेटिव होगी ठीक है अब हम पहले ड्रॉ करते हैं कन्वर्जिंग पैसेज को इसमें फर्स्ट में इसके लिए सब के लिए कन्वर्जिंग को कन्वर्जिंग पैसेज कन्वर्जिंग पैसेज क्या होता है जिसके डायरेक्शन ऑफ फ्लो जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन पे एरिया कम होता है उसको हम कन्वर्जिंग सेक्शन बोलते हैं ठीक है तो कन्वर्जिंग सेक्शन इसके लिए क्या होगा ये होगा ठीक है देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो पे ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो पे एरिया डिक्रीज हो रहा है ठीक है तो इस केस के लिए अगर मैक लेस देन वन है इनलेट पे ये इनलेट है ये आप अच्छे से तो समझ लीजिए ये आउटलेट है है। अगर मैरेक्ट लेस देन वन है तो इस कन्वर्जिंग सेक्शन के लिए जो डी ए है वो नेगेटिव है क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एरिया डिक्रीज होता है तो चेंज इन एरिया नेगेटिव होगा फाइनल एरिया अपॉन इनिशियल एरिया ऐसा समझ लीजिए और एम स्क्वेर माइनस वन इसके लिए नेगेटिव होता है सो डीवी जो होगा वो पॉजिटिव होगा मीन्स अगर मैं इसको फर्स्ट सेक्शन मानूँ और इसको सेकेंड सेक्शन मानूँ तो विलासिटी ऑफ टू इज ग्रेटर देन विलासिटी ऑफ वन ठीक है मीन्स विलासिटी बढ़ेगी विलासिटी बढ़ रही है तो प्रेशर क्या होगा रिड्यूस प्रेशर अगर रिड्यूस हो रहा है तो डेंसिटी भी रिड्यूस होगी टेम्परेचर भी रिड्यूज़ होगा और मैक नंबर बढ़ेगा इस केस में क्यों क्योंकि विलोसिटी एजॉसिटी ऑफ फ्लो इंक्रीज अभी हमने देखा ना मैक नंबर का फॉर्मूला गामा आर टी वो फिक्स होता है सोनिक विलॉसिटी वो फिक्स होता है वो उसको हम कंपेयर करते हैं विलोसिटी ऑफ सब्सटेंस से तो वहां से मैक नंबर निकल जाता है ठीक है तो पहला केस अब इसी में अगर सब सोनिक इनलेट है और अगर मैं बी ड्रॉ करूं कैसा डायजिंग सेक्शन या पैसेज ठीक है दोनों एक ही बात है तो so, डाइवर्जिंग क्या होता है जिसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वहां पर एरिया डायरेक्शन ऑफ फ्लो पे जो एरिया है वो बढ़ रहा तो यहां डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है ये ठीक है तो इस केस के लिए डी ए क्या होगा पॉजिटिव एरिया बढ़ रहा है एरिया मान लीजिए ये वन है और ये सेक्शन टू है तो जो ए टू यहां होगा वो ग्रेटर देन होगा तभी तो ए टू माइनस ए वन पॉजिटिव होगा ठीक है सिंपल लॉजिक एम स्क्वायर माइनस वन क्या है नेगेटिव तो जो हमने ये मेन फार्मूला यहां लिखा है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला इससे हम सॉल्व कर रहे हैं चीजों को ठीक है वो मेन फॉर्मूले से हम सॉल्व कर रहे हैं चीज़ों को so, तो यहाँ पे क्या होगा जो विलोसिटी है डी वी वो नेगेटिव होगा फॉर्मूले के हिसाब से मीन्स वी टू इज लेस देन वी वन तो ये कंडीशन किसके लिए होती है ये कंडीशन डिफ्यूजर के लिए होती है सीख ठीक है तो इस केस में कन्वर्जिंग पैसेज फॉर लेस देन एम इज लेस देन वन इसके लिए ये बिहेव करेगा एज अ नोजल और इस कंडीशन के लिए ये जो सेक्शन है ये एज अ वर्क करेगा डाइवर्जिंग सेक्शन डिफ्यूजन के जैसे ठीक है ये कंडीशन हो गई तो यहाँ पे क्या होगा वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है प्रेशर इंक्रीज हो रहा है डेंसिटी इंक्रीज हो रही है प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी टेम्परेचर भी बढ़ेगा और मैक नंबर कम होगा क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो मैक नंबर कम होगा ठीक है अब यहां पे एक लाइन होती है ठीक है वो यही है कि फॉर सबसोनिक कंप्रेसिबल फ्लो ठीक है सबसोनिक कंप्रेसिबल फ्लो हम ये जो भी स्टडी कर रहे हैं कंप्रेसिबल फ्लो के लिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए यहां पे डेंसिटी में चेंज आ रहा है प्रेशर के कारण डेंसिटी में चेंज आ रहा है तो प्रेशर कारण जब भी डेंसिटी में चेंज आता है तो वो कौन सा फ्लो होता है कंप्रेसिबल फ्लो ठीक है अब केस टू देख लेते हैं अब केस टू क्या होगा कि जो इनलेट है वो सेकेंड क्या होगा जो इनलेट में है वो सुपरसोनिक है फ्लो सुपरसोनिक तो सुपरसोनिक सोनिक मीन्स क्या हुआ एम इज ग्रेटर देन वन सो इस केस के लिए एम स्क्वेयर माइनस वन ये पॉजिटिव होगा क्योंकि एम वन से ज्यादा है अब इसमें भी हम पहला कन्वर्जिंग अब आप समझ गए तो यहां पे कन्वर्जिंग पैसेज और यहीं पे डाइवर्जिंग पैसेज समझ लेते हैं तो कन्वर्जिंग कैसा होगा ऐसा और डाइवर्जिंग कैसा होगा ऐसा ये इनलेट एंड ये आउटलेट ये इनलेट एंड ये आउटलेट यहां पे क्या है एम इज ग्रेटर देन वन यहाँ पे भी एम एंड इनलेट पे ग्रेटर देन वन यहाँ क्या था एम इज लेस देन वन सब सोनिक फ्लो था यहाँ पे सुपर सोनिक फ्लो है ये सुपर सोनिक की कंडीशन है सो so, इस केस के लिए क्या हुआ अगर मैं इसके लिए देखूँ तो डी ए जो है वो नेगेटिव है क्योंकि एरिया कम हो रहा है एम स्क्वायर माइनस वन पॉजिटिव है सो so, इस केस के लिए डी वी क्या होगी नेगेटिव ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब इक्वेशन देखिए आप समझ जाएंगे इस चीज को सिंपल है इस केस के लिए डी वी नेगेटिव है मीन्स वी वन इज ग्रेटर देन वी टू तो ये कैसा बिहेवियर हुआ ये डिफ्यूजन के जैसे तो ये डिफ्यूजर के जैसा बिहेव करेगा डिफ्यूजर ठीक है और मैं यहां देखूँ तो डी ए जो है वो पॉजिटिव है एम स्क्वेर माइनस वन ये भी पॉजिटिव है तो जो डी होगा वो भी पॉजिटिव होगा मीन्स यहां पे जो वी टू है वो वी वन से ग्रेटर है सो so ये ये किसकी प्रॉपर्टी होगी ये तो नोजल की प्रॉपर्टी होगी नोजल है ना जो विलोसिटी बढ़ाता है इन द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर ठीक है तो फॉर सब सोनिक क्लियर हो गया चीज ठीक है थर्ड सोनिक सोनिक में क्या होता है एम इज इक्वल टू वन बिल्कुल बढ़िया तो अगर एम वन है सो क्या होगा देखते हैं आप मान लीजिए कुछ ऐसा है ठीक है कुछ इस तरह का सेक्शन है मान लीजिए इससे आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है अब आप एक बात बताइए मुझे यहाँ पे मान लीजिए मैक लेस देन वन है मान लीजिए पॉइंट फोर से शुरू हो रहा है ठीक है अब ये यह यहां से ये यह फ्लो हुआ तो मैक लेस वन है और ये कैसा सेक्शन है ये कैसा सेक्शन है कन्वर्जिंग तो मैक नंबर बढ़ रहा होगा मान लीजिए यहाँ पे मैक पहुंच गया पॉइंट एट तो जैसे जैसे मैक बढ़ता जाएगा एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे मैक होगा वन मैक जहां पे होगा वन ठीक है तो देखिए यहां पे क्या होता है एम स्क्वायर माइनस वन जीरो होगा जहाँ मैक वन होगा तो डी ए भी होगा जीरो मतलब चेंज इन एरिया जीरो होगा मतलब एरिया ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फाइनल ये कंडीशन बोल सकते हैं हम ठीक है तो अब देखिए अब आप मुझे बताइए वन है और ये कांस्टेंट एरिया पे मिल रहा है ठीक है ये यहाँ पहुँच गया अब इसके अगर इस वन के बाद ठीक है अगर बढ़ना होगा फ्लो को मींस सोनिक से अब अगर सुपर सोनिक में जाना होगा तो क्या फिर से कन्वर्जिंग नोजल यूज़ करेंगे कि डाइवर्जिंग नोज़ल यूज़ करेंगे अब आप खुद सोचिए इस पर तो सी बात है अगर यहाँ पे वन पहुँच चुका है ठीक है यहाँ पे अगर मैक नंबर वन हो गया है अब जो आगे जो फ्लो आएगा वो सुपरसोनिक होगा तो सुपरसोनिक फर्दर पाने के लिए हमको अब हम कन्वर्जिंग नहीं लगाएंगे क्योंकि सुपरसोनिक फ्लो के लिए कौन सा कौन सा क्रॉस सेक्शन नोजल के जैसे बिहेव करता है आप यहाँ खुद देखिए चलिए ठीक है ये सुपरसोनिक है ये ये कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग देखो डिफ्यूज़र के जैसे काम कर रहा है वहीं पर डाइवर्जिंग कैसा काम कर रहा है नोजल तो आप क्लियर में आपको बता रहा हूँ कि कोई भी अगर आप सिर्फ कन्वर्जिंग सेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी आउटलेट पे मैक नंबर ग्रेटर देन वन नहीं मिल सकता मैक्सिमम जो मैक नंबर आपको मिलेगा वो यूनिट मिलेगा डेट इज़ सोनिक उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि फर्दर एक्सपांशन के लिए या फर्दर वेलोसिटी बढ़ने के लिए जो मैक नंबर वन के बाद क्रॉस सेक्शन लगता है वो डाइवर्जिंग होता है तो इसी कॉन्सेप्ट के बाद जो आया है वो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल का कॉन्सेप्ट आया है इसी कॉन्सेप्ट के बाद क्या कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का नोजल का कॉन्सेप्ट कहां से आया वो इसलिए क्योंकि सिर्फ कन्वर्जिंग क्रॉस एक्शन से मैक नंबर वन से ज़्यादा हो ही नहीं सकता मैक्सिमम जो मैक नंबर है वन उसी को हम बोलते हैं सोनिक कंडीशन ठीक है उससे ज़्यादा मैक नंबर एक पर्टिकुलर कन्वर्जिंग सेक्शन से नहीं मिल सकता अगर आपको आउटलेट अगर इनलेट मान लीजिए सब सोनिक हो और आउटलेट आपको सुपर सोनिक चाहिए तो कन्वर्जिंग के साथ साथ आपको एक डाइवर्जिंग नोजल भी यूज़ करनी पड़ेगी ठीक है तो जैसे कि इसका जो डायग्राम होता है वो हो कैसे है मान लीजिए ये कुछ इस तरह से ठीक है ये यहां पे इनलेट तो यहां पे जो मैक नंबर होता है वो लेस देन वन होता है यहां पे जो मैक नंबर होता है वो वन होता है यहां पे जो मैक नंबर होता है वो ग्रेटर देन वन होता है ठीक है क्लियर हो गया तो इसको हम बोलते हैं जहां पे मैक नंबर वन होता है उसको हम बोलते हैं थ्रोट अब मैं आपको बताऊंगा कि ये थ्रोट का मतलब क्या होता है थ्रोट हम किसको बोलते हैं ठीक है एक्चुअली थ्रोट जो कई लोगों को लगता है कि थ्रोट वो है जहाँ पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन है सिर्फ वो डेफिनेशन करेक्ट नहीं है थ्रोट का एक और चीज वैल्यू भी आपको देखनी पड़ती है वो मैं भी आपको बताऊंगा ये जो है ये कन्वर्जिंग सेक्शन दिख रहा है वो क्योंकि एरिया कन्वर्ज कर रहा है डिक्रीज हो रहा है कन्वर्ज मतलब होता है एक जगह मिलना तो पास आते जाएंगे हम डाइवर्ज मतलब होता है अलग होना डाइवर्जिंग ठीक है अब ये जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एम इक्वल टू वन और डी ए इक्वल टू जीरो दोनों कंडीशन एंड दीज कंडीशन करस पॉन्ड टू दी मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ नोजल नोन एज थ्रोट ये दोनों कंडीशन होती है याद रखिएगा कांस्टेंट एरिया भी होगा और मैक नंबर वहां वन भी होगा ठीक है जो नोजल है नोजल आर डिजाइंड इन सच अ मैनर दैट कंडीशन एग्जिस्ट एट थ्रोट थ्रोट में ही आपको सोनिक कंडीशन मिलेगी जिसका एरिया मिनिमम होगा और डी ए इज इक्वल टू जीरो होगा ठीक है एट दिस पॉइंट मास पासिंग थ्रू दी नोजल इज मैक्सिमम एंड नोजल इज कोल्ड चोक्ड नोजल ये मैं आपको याद कर, बताया था पिछली वीडियो में चोकिंग का मतलब और मैंने बताया था आगे भी हम इसको एक बार पढ़ेंगे नोजल में तो ये वहीं पे हम पढ़ रहे हैं फिर से इसको बोलेंगे चोकड नोजल ठीक है हाँ ठीक है अब देखिए एक अलग कंडीशन फॉर इन कंप्रेसिबल फ्लुइड। अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप समझिए ये जो भी कंडीशन थी ये जितनी भी कंडीशन थी ठीक है ये ऑल आर फॉर कंप्रेसिबल फ्लो ये जितनी भी कंडीशन थी ये सब कंप्रेसिबल फ्लो के लिए थी याद रखिएगा आप ये चीज अगर फ्लो जो है वो इनकंप्रेसिबल फ्लूट का हो रहा है जो कंप्रेस ही नहीं होंगी ठीक है सो so, इस कंडीशन पे कन्वर्जिंग पैसेज ऑलवेज एक्ट्स एज नोजल सो so, अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूड की उसने बात कर दी है तो कन्वर्जिंग सेक्शन हमेशा ही नोजल के जैसे काम करेगी डाइवर्जिंग सेक्शन हमेशा ही डिफ्यूजर के जैसा काम करेगी इसका हम छोटा सा प्रूफ भी देख लेते हैं एंड डाइवर्जिंग पैसेज ऑलवेज वर्क्स एज डिफ्यूजर ठीक है अब देखिए इसका छोटा सा प्रूफ है मास फ्लोरेट क्या होता है रो ए इंटू वी वेलोसिटी ये कांस्टेंट होती है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं मैथ्स में डी रो बाय रो प्लस डी ए बाय ए प्लस डी वी बाय वी इज इक्वल टू जीरो अब ये जो है रो वो जीरो होगा डीरो क्योंकि क्या इनकम्प्रेसिबल है सो so, जो डी ए है अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय वी फॉर इन कंप्रेसिबल फ्लो तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि अगर इस इक्वेशन से दिख रहा होगा अगर कि डी ए अगर नेगेटिव है डी ए नेगेटिव है मतलब वो कन्वर्जिंग होगा एरिया कम होगा कन्वर्जिंग सो इसमें पुट कर दीजिए तो यहाँ पे डी पॉजिटिव आ जाएगा सो so, नोजल बन गया अब इक्वेशन में देख लीजिए अगर डी ए जो है वो पॉजिटिव है मीन्स डाइवर्ज हो रहा है फैल रहा है कोई चीज डाइवर्जिंग सो जो डीवी है वो निगेटिव हो जाएगा दैट इज डिफ्यूजर ठीक है क्लियर अब हम एक बार नोजल को देखते हैं कि नोजल में क्या क्या होता है देखिए क्या हो रहा है पहले हम बना लेते हैं ओके okay. मान लीजिए इनलेट है फर्स्ट पॉइंट ये एग्जिट है सेकंड। यहां पे एच वन है एन्थैल्पी, सी वन है वेलोसिटी, एग्जिट पे एच टू सी टू ठीक है ये एडियाबैटिक है ये नोज़ल है ठीक है अब इसमें अगर मैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाऊं सारी कंडीशन को कि ये पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है एंड हीट ट्रांसफर जीरो है वर्क ट्रांसफर जीरो है सब तो एच वन प्लस सी वन स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू एच टू प्लस सी टू स्क्वायर बाय टू यह आया के केस में जनरल एजम्पन ये होता है कि जो सी टू है वो बहुत ज्यादा है सी वन के तो इसके कंपेयर में सी वन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं नेगलिजिबल सो एच वन इज इक्वल टू एच टू प्लस सी टू स्क्वायर बाय टू तो सी टू यहाँ पे क्या लिख रहे हैं विलोसिटी टू एच वन माइनस एच टू ठीक है यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है या इसको हम बोल सकते हैं C2 टू इज इक्वल टू टू डेल एच वेयर डेलेच का जो यूनिट होगा वो होता है जूल पर के जी में आपको रखना है इसको किलो जूल में नहीं रखना है किलो जूल में नहीं रखना है इसमें नहीं रखना है जूल पर केजी में रखना है ठीक है ये तक क्लियर हो गया आपको अगर वेलोसिटी निकालना है तो आपको यूनिट जूल पर केजी में ही रखना है जूल पर केजी में रखना है ठीक है अब एक और टॉपिक है नोजल के बारे में पढ़ लिया अब है नोजल एफिशिएंसी नोजल इफिशियंसी के बारे में चलिए देख लेते हैं यहां क्या होता है ठीक है तो जो नोजल की एफिशिएंसी है दैट इज एफिशिएंसी ऑफ नोजल इज इक्वल टू एक्चुअल एंथेल्पी ड्रॉप अपॉन आइज एंड ट्रॉपिक एंथेल्पी ड्रॉप ठीक है तो जो नोजल एफिशिएंसी है एफिशिएंसी ऑफ नोजल वो क्या होगी डेल एच एक्चुअल अपॉन डेल एच ट्रॉपिक ठीक है अगर मैं इसको ड्रॉ करूं यहां पे दैट इज एच एस डायग्राम पे सो so, ये दो प्रेशर लाइन हो गई एक P1, एक P2, एक होगा आइजन ट्रॉपिक वो ये दो डेट इज वन एंड टू एस और जो एक्चुअल है वो मान लीजिए ये है तो ये टू हो गया सो so, ये जो जो ये वाला डिफरेंस है एक्चुअल का सॉरी आइजन ट्रॉपिक का ये डेल एच एस हो गई ठीक है इसको जूम में कर देता हूँ सिमिलरली ये जो दो पॉइंट हो गए ये दो पॉइंट इसको हम बोल देते हैं डेल एच एक्चुअल डेल एच ए ठीक है ये बड़ा वाला डेल एच एस डिफरेंस और ये छोटा वाला डेल एच ए सो यहां पे अगर मैं रखूँ इसी को सो so ये क्या हो जाएगा एच वन माइनस एच टू अपॉन एच वन माइनस एच टू एस ठीक है तो एफिशिएंसी ऑफ नोजल अगर एक्चुअल जो ड्रॉप हो रहा है एक्चुअल तो वो वी टू का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर अपॉन वी टू एस का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर ठीक है अगर इफ इफ वी वन इज वेरी लेस देन वी टू अगर वी वन बहुत छोटा है वी टू के कंपेयर में और जो वी टू एस है वो ग्रेटर है वी टू एफिशिएंसी ऑफ नोजल यहां से क्या हो जाएगी वी टू अपॉन वी टू एस का स्क्वायर हो जाएगी फाइनल एक्मशन के बाद अब एक छोटा सा टॉपिक जो बहुत बार इससे थ्योरी क्वेश्चन आता है ये आपको बिल्कुल छः पॉइंट है उसको बिल्कुल आपको याद करने हैं क्या इफेक्ट ऑफ नोजल फ्रिक्शन नोजल फ्रिक्शन का क्या इफेक्ट होगा ये छे पॉइंट आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए जो बाकी हमने था वो हमने नोजल के बारे में कंप्लीट कर लिया नोजल एफिशिएंसी देख लिया नोजल में स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ला के देख लिया उसमें यूनिट क्या होती है नोजल डिफ्यूजर अलग अलग कंडीशन में क्या होती है हमने ये भी पढ़ लिया अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिसको आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का फिर आपकी ये यूनिट खत्म हो जाएगी ठीक है चलिए इफेक्ट ऑफ नोजल फ्रिक्शन पहला सबसे पहला जो एक्चुअल एंथेलपी ड्रॉप है एक्चुअल एंथेलपी ड्रॉप डिक्रीजेस जितना एंथेलपी ड्रॉप होना था वो फ्रिक्शन होने के कारण हमको मिल नहीं पाया नोजल में ठीक है क्या मतलब है कि मान लीजिए अगर 100 किलो झूल के एंडल्पी ड्रॉप मुझे नोजल से मिल जाता है I mean एक्सपांशन मुझे मिल जाता बट फ्रिक्शन होने के बाद सिर्फ नाइन्टी मिला तो एक ये आउटपुट है फ्रिक्शन होने के कारण नोजल में सेकेंड फ्रिक्शन होने के कारण रिडक्शन इन एग्जिट वेलोसिटी ऑफ फ्लूड सिंपल लॉजिक क्या लॉजिक सिंपल है इसमें अगर एंथेल्पी ड्रॉप एक्चुअल कम हो रहा है तो ये देख लीजिए वेलोसिटी हमने जो निकाला था वो तो खुद फंक्शन है एंथेल्पी का ये देख लीजिए तो अगर डैलेज कम हो रहा है तो एग्जिट की टू भी कम हो जाएगी सिंपल इसी से कंक्लूजन डिराइव हो गए तो दो पॉइंट आपको याद हो गए बिल्कुल अच्छे से अब तीसरा डिक्रीज इन मास रेट इन मास फ्लो रेट ऑब्वियस बात है अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो जो मास फ्लो हो रहा होगा उसको रेजिस्टेंस ऑफर करेगा फ्रिक्शन जिसके कारण रबिंग होगी और हीटिंग होगी मास फ्लो हो रहा है फ्रिक्शन अपोज कर रहा है उसके कारण हीटिंग होगी ठीक है उसके कारण रीहीटिंग होगी उस पो पो पोर्शन पे तो रेजिस्टेंस के कारण मास फ्लो रेट डिक्रीज हो जाएगा ये भी सिंपल है फोर्थ

फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट समझ जाओगे पर ये देखो अब क्या हो रहा है आप समझो फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है मास को फ्लो होने में दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे होती है हीटिंग फ्रिक्शन होने के कारण वो गर्म होता है थोड़ा सा लिटिल बिट गर्म हो जाता है वो जो फ्लूड है तो अगर फ्लूड गर्म हो रहा है कोई भी चीज़ अगर गर्म होती है तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ जाता है गर्म होते ही वो एक्सपांड करती है ना कोई चीज़ तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा फैल जाएगी वो चीज़ इसीलिए फ्रिक्शन होने के कारण फ्रिक्शन के कारण जो देयर इज इंक्रीज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम तो वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि टेंपरेचर बढ़ रहा है हीट हो रहा है वहां पे हीट और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेंसिटी ऑब्वियसली डेंसिटी डिक्रीज होगी आइडियल गैस इक्वेशन से भी याद कर सकते हैं इसको समझने के लिए रो इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी होता है तो टी बढ़ेगा तो रो डिक्रीज होगा और रो डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि रो एंड वॉल्य। स्पेसिफिक वॉल्यूम इनवर्स स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ता है उसका रीज़न ये है कि हीटिंग होती है इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो आप समझ गए अब इंक्रीज इन ड्राइनेस फ्रेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए क्या हो रहा है इंक्रीज इन ड्राइन का रीज़न क्या है फिर से हीटिंग अगर हो रही है तो मान लीजिए कुछ लिक्विड पार्टिकल बच गए थे तो वो हीट एब्जॉर्ब करके लेटेंट एनर्जी में कन्वर्ट लेके वापस वो वेपर कन्वर्ट हो जाएंगे तो जो लिक्विड था वो रीहीट या हीटिंग होने के कारण फ्रिक्शन के कारण वो हीट एब्जॉर्ब किया फ्लूइड में जो लिक्विड पार्टिकल थे उनका लेटेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ लेटेंट हीट उन्होंने एब्जॉर्ब की और वेपर में कन्वर्ट हो गए तो जितने ज़्यादा वेपर उतना ज़्यादा ड्रेनस फ्रैक्शन ड्रेनस फ्रैक्शन का फॉर्मूला कहता है मास ऑफ वेपर अपन मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड ये होता है ठीक है क्लियर ओके ये पॉइंट क्लियर हो गई एक छोटा सा एक चीज़ यहाँ आप पर आपको बता देता हूँ कंबाइंड हीट इंजन अगर दो तीन हीट इंजन कंबाइंड हैं तो उनकी इक्वलेंट एफिशिएंसी कैसे निकलती है मान लीजिए एफिशिएंसी वन एफिशिएंसी टू एफिशिएंसी थ्री थ्री इंजन है तो एफिशिएंसी की ओवरऑल कितनी होती है ये इंपॉर्टेंट तो so है तो वन माइनस वन माइनस एफिशिएंसी वन वन माइनस एफिशिएंसी टू वन माइनस थ्री एंड सो ऑन ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इससे ही दो की डिराइव होती है 1 एंड 2 की अगर मैं मान लूं तो इससे ही डिराइव होती है ये मेन फार्मूला है इसको अगर आपको याद है तो वो कितनी भी एफिशिएंसी दिया होगा इस फार्मूले में आराम से लगा के सॉल्व कर लेंगे अगर सिर्फ 1 इन 2 दिया है मान ले इफ ओनली एफिशिएंसी 1 एंड एफिशिएंसी 2 गिवन सिर्फ दो एफ दो दो के बीच दो काइंड साइकिल के बीच बात कर रहे हैं तो लगा के देख लेते हैं इस इक्वेशन को 1 माइनस 1 माइनस एफिशिएंसी ऑफ 1 वन माइनस डिफिशियंसी ऑफ टू तो इसको अगर हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस एफिशियंसी ऑफ टू एफिशियंसी ऑफ वन से तो माइनस एफिशियंसी ऑफ वन माइनस माइनस प्लस एफिशियंसी ऑफ वन और एफिशियंसी ऑफ टू इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए वन माइनस वन प्लस एफिशियंसी ऑफ वन प्लस एफिशियंसी ऑफ टू माइनस एफिशियंसी ऑफ वन एफिशियंसी ऑफ टू तो इस में एफिशियंसी ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ वन प्लस एफिशिएंसी ऑफ टू माइनस एफिशिएंसी ऑफ वन और एफिशिएंसी ऑफ टू ये यहां पे याद रखना एफिशिएंसी को पुट इन फ्रैक्शन फॉर्म परसेंट फॉर्म में मत रखना फ्रैक्शन फॉर्म में रखना सारी एफिशिएंसी को ठीक है ये ही कुछ की होती है जिस जो अगर आप मिस कर देंगे तो आप मेन एग्जाम में छोटे से न्यूमेरिकल में भी एरर कर जाएंगे जैसे कि मैंने वहाँ बताया कि एंथेलपी को आपको जूल पर के में रखना है बहुत सारे बच्चे जो जल्दी जल्दी पढ़ के इसको ख़त्म कर लेंगे वो उसको किलो जूल में रख देंगे और उसका भी एक ऑप्शन होगा और हम आठ ठुक जाएंगे तो इसलिए कोई भी अगर छोटे फार्मूलेज भी हैं जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू किस फॉर्म में रखनी है उसके अलावा आपसे कोई गलती नहीं होगी फिर ठीक है तो ये था नोज़ल के बारे में जिसके बारे में आपने मुझसे पढ़ लिया है और मैंने काफ़ी अच्छे से आपको नोजल को पढ़ा दिया है जो मेन क्वेश्चंस आते हैं नोजल से या तो वो डायरेक्ट आपसे वेलोसिटी निकालने बोलेगा या तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोज़ल के बारे में पूछेगा नहीं तो इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन नोजल पूछेगा हमने सारे पॉइंट को कवर कर लिए हैं तो ये इस वीडियो का एंड है फर्दर हम इसके बाद जो टॉपिक बचे हुए हैं पावर प्लांट के वो भी कम्प्लीट करेंगे तो हम इसके बाद हमारा बॉयलर बचा हुआ है और स्टीम टर्बाइन बचा हुआ है ये दोनों को हम कंप्लीट करेंगे अच्छे से डिटेल में जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा है बॉयलर को भी मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ क्योंकि बॉयलर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं उस पर तो उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा और आप भी पेशेंस हो कि इसको डिटेल में पढ़िए क्योंकि एक बार अगर आपने बॉयलर पढ़ लिया तो वो प्री मेन्स या कोई भी बॉयलर आएगा तो आप उसको बना के आएंगे चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए ओके कीप लर्निंग